बीते कई दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा हुई है। ये तनाव अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लगता है अब ईरान और अमेरिका का युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि युद्ध किसी भी देश, किसी भी इंसान, किसी भी सभ्यता के लिए लाभदायक नहीं होता। युद्ध एक छोटा सा शब्द है, मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं। युद्ध अपने पीछे कई खौफनाक मंजर छोड़ जाता है, इसलिए अमेरिका जैसे अमीर देश भी युद्ध में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है, और अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन देश किसका साथ देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने के चांस बहुत हाई हैं। अगर दोनों देशों में से किसी एक देश ने भी कोई गलत कदम उठाया तो युद्ध होना तय है, क्योंकि ईरान ने पहले ही अपने मस्जिदों पर लाल झंडे लहरा दिया है। ईरान अपने मस्जिदों में लाल झंडा इसलिए लहराता है ताकि वह अपने जनता को यह संदेश दे सके कि देश युद्ध करने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है, अब बस अमेरिका की देरी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध होता है तो क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। दोस्तों, भले ही ईरान और अमेरिका युद्ध के तरफ जाएं, मगर तीसरा विश्व युद्ध हो इसके बहुत कम चांस हैं। तीसरा विश्व युद्ध तभी हो सकता है जब दुनिया के टॉप 5 देश इस युद्ध में शामिल हो, मगर ऐसा होना असंभव सा लगता है। भले ही आज रूस और चीन ईरान के तरफ से बयान दे रहे हों, मगर जब आमने सामने के युद्ध की बारी आएगी तब ना रूस ईरान का साथ देगा और ना ही चीन, क्योंकि अगर रूस और चीन सीधा सीधा ईरान के साथ युद्ध में शामिल होंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। रूस चीन कभी नहीं चाहेंगे कि वह दूसरे देश के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़ लें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रूस चीन अपने कुछ हथियार ईरान को दे सकते हैं, मगर वो भी बस उन्हीं हथियार को देंगे जो उनके लिए वेस्ट होगा। इसके अलावा वह यूनाइटेड नेशन में ईरान का साथ दे सकते हैं। अगर उन्होंने खुलकर अपने सैन्य शक्ति के साथ ईरान का साथ दिया तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन और इजराइल के साथ जितने भी नाटो मेंबर हैं वो भी होंगे। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा काफी बढ़ जाएगा, मगर ऐसा हो ये बहुत कम चांस है। अब सवाल है कि अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध होता है तो क्या ईरान अमेरिका के सामने टिक पाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। ऐसे में इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि अगर इन दोनों देशों का युद्ध होता है तो ईरान अमेरिका के सामने कितना टिक पाएगा। दोस्तों, अमेरिका ताकतवर देश है, यह सबको पता है, मगर ईरान इतना कमजोर देश नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अगर हम अमेरिका के मिलिट्री बजट की बात करें तो अमेरिका का मिलिट्री बजट 610 बिलियन यूएस डॉलर का है, वहीं ईरान का मिलिट्री बजट 14 बिलियन यूएस डॉलर का है। हम अगर अमेरिका के मैन पावर की बात करें तो अमेरिका के पास एक्टिव पर्सनल 12,81,900 है, वहीं रिजर्व पर्सनल 8,11,000 है, और अवेलेबल फॉर मिलिट्री 7,32,43,000 है। दूसरी ओर ईरान का एक्टिव पर्सनल 5,50,000 है, वहीं रिजर्व पर्सनल 3,50,000 है, और अवेलेबल फॉर मिलिट्री 2,36,19,215 है। अगर हम अमेरिका के थल सेना की बात करें तो अमेरिका के पास टैंक की संख्या 6,393 है, जबकि ईरान के पास 2,531 है। आर्मेड फाइटिंग व्हीकल यूएसए के पास 41,760 है, तो वहीं ईरान के पास 1,625 है। टोटल आर्टिलरी यूएसए के पास 3,296 है, जबकि ईरान के पास 4,096 है। सेल्फ आर्टिलरी यूएसए के पास 950 है, ईरान की बात करें तो ईरान के पास 570 है। अब हम दोनों देशों के एयरफोर्स के ताकत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि यूएसए की एयरफोर्स इतनी शक्तिशाली है कि अगर दुनिया के 3 ताकतवर देश यानी रूस, चीन और भारत की एयरफोर्स को एक साथ मिला दें, फिर भी नंबर के मामले में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मगर हम अमेरिका और ईरान के ताकत की बात कर रहे हैं तो आइए हम आंकड़ों पर बात करते हैं। अगर हम यूएस एयरफोर्स की बात करें तो यूएस एयरफोर्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट 12,304 है, जबकि ईरान के पास 850 है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूएसए के पास 457 है, तो ईरान के पास 130 है। यूएसए के पास मल्टी रोल एयरक्राफ्ट 587 है, जबकि ईरान के पास 52 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यूएसए के पास 4,889 है, तो वहीं ईरान के पास 324 है। अगर हम यूएसए और ईरान के नेवी का कंपेरिजन करें तो
यूएसए के पास टोटल नेवल 437 है तो वहीं ईरान के पास 406 नेवल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यूएसए के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर है जबकि ईरान के पास 0 है। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो ईरान के पास 0 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं यूएसए के पास 85 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो यूएसए के पास 0 फ्रिगेट्स हैं, वहीं ईरान के पास 6 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की बात करें तो यूएसए के पास 0 कॉर्वेट्स हैं जबकि ईरान के पास 3 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। सबमरीन की बात करें तो यूएसए के पास 71 सबमरीन मौजूद हैं, वहीं ईरान के पास 40 सबमरीन हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही अमेरिका दुनिया का नंबर वन सबसे ताकतवर देश है मगर ईरान के पास कुछ तो शक्ति है। भले ही ईरान अमेरिका तक जाकर उस पर हमला नहीं कर सकता मगर ईरान अमेरिका के बेसिस जो कि ईरान, अफगानिस्तान, कुवैत जैसे पड़ोसी देशों में बना रखा है वहां जाकर उन पर अटैक कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान में 6,000, कुवैत में 13,000, इराक में 10,000 सैनिक तैनात कर रखा है। देखा जाए तो अमेरिकी सैनिकों से ईरान घिरा हुआ है या अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है। अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। अमेरिका के पेंटागन का कहना है कि इस ईरानी हमले से कितना नुकसान हुआ है हम इसकी जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, मगर कहा जा रहा है कि इस हमले में अमेरिका का काफी नुकसान हुआ है। अब इस ईरानी हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका काफी बढ़ चुकी है। अब सवाल आता है कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध होता है तो क्या चीन और रूस ईरान का साथ देंगे और क्या इस युद्ध के बदौलत हमारे सामने तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसके अगले पार्ट में यह बताऊंगा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो भारत को क्या नुकसान सहना पड़ेगा और कितना नुकसान सहना पड़ेगा, इस युद्ध का भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के पहले पार्ट को जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।